इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर टू क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2 हमें एक्स की जगह पे यहां पे एक्स की जगह पे ऐसा कुछ पुटअप करना है कि एक सूटेबल फॉर्म बन जाए। तो ये हमारा इस तरह का पैटर्न है 1 - x² और मैंने बोला था कि एक्स की जगह हमें यहां पे कुछ पुटअप करना पड़ेगा। तो एक्स की जगह हम क्या पुटअप करेंगे कि एक आइडेंटिटी बने। तो मैंने बोला था एक्स की जगह साइन या कोस पुटअप कर सकते हो। तो जैसे ही अगर तुम यहाँ पे एक्स की जगह साइन पुटअप करते हो तो ये बन जाता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अगर एक्स की जगह पुट करते हैं साइन थीटा, एक्स की जगह अगर साइन थीटा पुटअप करते तो 1 - sin² θ, 1 - sin² θ क्या बन जाता है 2 स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। तो मतलब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्या पुटअप करें। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ पुटिंग की 10 बनाना मुझे। तो मैं एक्स की जगह साइन थीटा पुटअप कर देता हूँ और साइन थीटा तो मैं पुटअप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है। तो तुम थोड़ा सा ध्यान देना, हमको ए को भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो एक्स की जगह ए साइन थीटा पुटअप कर देना। एक्स की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया, ए साइन थीटा। तो ए को मैं अपॉन में लेके आया, तो एक्स अपॉन ए साइन थीटा एक्स अपॉन ए। और मैंने बोला था थीटा की वैल्यू निकाल लेना, तो ये साइन को इधर ले आना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए थीटा। मतलब तुम्हारे को थीटा की वैल्यू क्या मिली, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, ये तो हमारा हमने एक्स को सपोज करा है ए साइन थीटा और ए को मैं डिवाइड में लेके आ गया हूं एक्स बाय ए हो गया। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू होगी एक्स बाय ए। फिर मैं साइन को इनवर्स में लेके आया, इधर लेके आया, तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बाय इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये हुआ। अब पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे पुट अप करना है मेरे को साइन थीटा, पुट कर दिया ए स्क्वायर एज इट इज। एक्स की जगह ये पुट अप करना है तो ये लिखा मैंने ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया टेन इनवर्स, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन निकल रहा है अंदर से, तो 1 - sin² θ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हुआ यहां से ए अंदर से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए अंडर रूट 1 - sin² θ ए से कट, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा और 1 - sin² θ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा कितना हो गया टेन थीटा, और टेन से टेन क्या बचा कितना तुम्हारा थीटा, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इस थीटा को मैंने क्या लिखा, जैसे ये सॉल्व करा टेन इनवर्स टेन गया तो बचा केवल थीटा, और थीटा हमारा क्या था साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, हमको कुछ भी नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना था। एक्स की जगह मैंने पुट अप करा ए साइन थीटा, एक्स बाय इक्वल टू साइन थीटा, इसको मैं डिवाइड में लेके आया ए को, ये डिवाइड में हो गया साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाय हो गया। और यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाली ऐसे करके, यानी इसको इनवर्स में ले गया, तो साइन इनवर्स एक्स बाय इक्वल टू थीटा। बाकी मैंने ये जो वैल्यू सपोज करी थी मैंने इसको क्वेश्चन में पुट करी और उसको सॉल्व करा। ठीक है, 1 by 1 कॉमन लेकर उनको सॉल्व करना, ए से ये कट गया साइन थीटा अंडर रूट 1 - sin² θ, 1 - sin² θ क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, बाहर निकल गया कोस थीटा साइन बाय कोस थीटा, साइन थीटा बाय कोस थीटा कितना होता है टेन थीटा। तो ये लिखा मैंने टेन थीटा, टेन से टेन गया बचा कितना केवल थीटा, साइन इनवर्स इक्वल टू एक्स बाय ए। क्वेश्चन नंबर 10, टेन इनवर्स 3a² x, x³ अपॉन
ए क्यू 3ax स्क्वायर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड सो दैट माइनस ए ये कंडीशंस दी हुई है। यहां पे भी हमको एक्स की जगह कुछ पुटअप करना है ताकि आइडेंटिटी बन जाए, तो पुटिंग एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा पुटअप कर देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वही। फिर एक्स ए को अपॉन में लिख जाए तो एक्स अपॉन है टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू निकाल लेना यहां से, थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी ये निकालना जरूरी है। टेन इनवर्स एक्स बाय, तो ये हमारी थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स एक्स बाय। अब कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे हमको पुटअप करना है जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3a स्क्वायर और ये x की जगह पे ये a tan थीटा पुटअप कर दिया, ये हो गया a क्यू tan क्यू थीटा अपॉन a क्यू इज इट इज माइनस 3a और x की जगह पे वापस a tan थीटा पुटअप करा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 3a क्यू टेन थीटा माइनस ए क्यू टेन थीटा अपॉन ए क्यू, ये हो जाएगा 3a क्यू टेन स्क्वायर थीटा, कॉमन निकल गया यहां से ए क्यू कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाला टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा ए क्यू कॉमन, अंदर क्या बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज करा, ठीक, तो ए क्यूब से ए क्यूब को कैंसिल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स, ठीक है। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, 11 क्लास में हमने देखा था। तो ये 10 से 10 गया तो ये बचा कितना 3 थीटा, तो थीटा 3 तो इज इक्वल दिखा, और इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाय, ये तुम्हारा आंसर। फाइंड वैल्यूज फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2 हमने एक्सरसाइज में देखा था, एक्सरसाइज 2.1 में, कि साइन इनवर्स 1 बाय 2, 1 बाय 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, और 30 को हम क्या लिखते हैं साइन पाई बाय 6, 30 को लिखते हैं हमने, ब्रैकेट का ध्यान रखना साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बचेगा केवल पाई बाय 6। कितना बचा केवल पाई बाय 6, ये तो गया साइन इनवर्स और साइन गया बचा गया, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम्स, बचा कितना टेन इनवर्स 2 कोस पाई बाय 3, कोस 60 की वैल्यू 1 बाई 2 होती है, कोस पाई बाय 3 मतलब कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई 2, ये 2 से 2 गया बचा कितना, बचा कितना टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 यहां पे वैल्यू है, अब टेन में 1 वैल्यू किसकी होती है पाई बाय 4 की, तो इसको पहले कैसे लिख लेना, तो टेन पाई बाय 4, टेन से टेन क्या बचा कितना पाई बाय 4, ये तुम्हारा।
क्वेश्चन नंबर 12 कोड टेन इनवर्स ए कोड इनवर्स है। हमने 2.2 जब स्टार्ट करी थी हमने वहां पे फॉर्मूला देखा था टेन इनवर्स एक्स प्लस कोड इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता था। तो यहाँ पे x का काम हमारा a कर रहा है बाकी पैटर्न वही है। हम क्या लिख सकते हैं इसको कोड इसको लिख सकते हैं पाई बाय टू फॉर्मूले से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोड इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। तो हमने केवल और केवल यहाँ पे पाई बाय टू पुट अप करा वो कोड पाई बाय टू की वैल्यू हमको पता है जीरो होती है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है ये वैल्यूज हमको दी हुई है। अब इस ये साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। हमने जब टेन के फॉर्मूले देखे थे टू टेन इनवर्स एक्स का हमने फॉर्मूला देखा था फॉर्मूला क्या होता था साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला ये होता था। एक टू टेन एक्स का फॉर्मूला ये भी होता था कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये भी होता था टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है देखो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ रहा है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ टू टेन एक्स लिख सकता हूँ। तो ये लिखा मैंने टेन वन बाई टू और इस पूरे पैटर्न को क्या लिख लिया मैंने टू टेन एक्स ठीक है। और ये बना कोस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे बस एक्स का काम कौन कर रहा है वाई कर रहा है बाकी पैटर्न तो यही है। तो एक टेन का मतलब हमने ये भी देखा था बस एक्स की जगह हमको क्या रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से टू कॉमन निकाला हमने तो ये हो जाएगा टेन वन बाई टू टू कॉमन अंदर बचा टेन एक्स सॉरी यहाँ पे टेन इनवर्स आया टेन इनवर्स वाई ये हुआ ये टू से ये टू कट बचा कितना टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। हमने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला देखा था क्या टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये फॉर्मूला हुआ था हमारा। तो मैं इस पूरे की इस प्लेस पे क्या पुटअप कर सकता हूँ टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई तो ये हो जाएगा टेन तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज ये टेन इनवर्स और ये टेन कैंसल तो बचेगा क्या तुम्हारा एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये तुम्हारा आंसर ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखना है